पहले मम्मी बोल रही थी कि आजकल जमाना ऐसा है, लड़की पसंद कर ले कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़की पसंद कर ली है तो अब बार बार लड़की के नाम से टोक रहे हैं मुझे। तो वो तो आएगी ना कभी ना कभी, इससे अच्छा तो जल्दी ले आएंगे, बाद में मिल भी तो नहीं मैं एक जाएगी। बात सोच रही थी, कहीं ये ना हो जाए कि अभी तो हमने सारे नींबू रख दिए और कोई आसपास से चुपके से देख रहा होगा और कल सुबह हम देखे तो सारे नींबू गायब हो जाए। राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। शुरू करते हैं आज का दिन एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड की हसीन वादियों में। मेरा नाम है अमित नेगी, मेरे गांव का नाम है तेला जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज काफी हद तक मेरी तबीयत भी ठीक हो गई है, मम्मी ने भी बहुत साथ दिया, साक्षी ने भी। मम्मी ने देखो भाई बहुत वीडियो बनाई 2-3 दिन लगातार, आप सभी ने बहुत पसंद भी की, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी ने भी वीडियो बनाई और एडिटिंग भी की, मतलब जो एडिटिंग मैंने इसको सिखाई थी तो वो उसने पूरा मतलब मेरे को फल दे दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो मेरे को सिखाया उसके लिए धन्यवाद, इसलिए मैं आपके काम आई। बाकी कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी आपको मेरी एडिटिंग। आज थोड़ी वो सुधार है, अमित की तबीयत में बहुत ज्यादा खराब, कल तो मैं घबरा गई थी भाई। मैं इनको बोल रहा हूँ मूँगफली अखरोट मत खाओ, तुम्हारी तबीयत भी खराब ना हो जाए। तो इसका जी भी लगता हम तो खा ही रहे एक महीने से। हाँ मेरा मेरा मन ही नहीं कर रहा देखने का। जब इंसान की तबीयत खराब होती है ना, उसके सामने मटर पनीर, शाही पनीर कुछ भी ला के रख दो, उसका खाने का मन ही नहीं करता है। उस टाइम वो सोचता है कि मैं कितनी जल्दी ठीक हो जाऊँ। जब इंसान ठीक हो जाता है तो उसको उस चीज़ की कदर होती नहीं है, उल्टी सीधी चीज़ें खाने लग जाता है। और आप सभी का भी धन्यवाद, आप सभी ने बहुत प्रार्थनाएं की, बहुत दुआएं की, जिस कारण हल्की फुल्की तबीयत ठीक हो गई है। अमित की तबीयत ठीक हो गई, थोड़ी बहुत ठीक तो नहीं हुई पर थोड़ी बहुत ठीक हो गई, बोलने लायक थोड़ा थोड़ा। तो आपकी दुआ और अमित दवाई ले आई, ये दोनों ने काम करा तब जाके उठा अमित आज। दवाई भी दुआ भी जरूर चाहिए। दवाई और दुआ का तो पता नहीं है पर ऐसे लग रहा है कि लड़की देखने जाना है अब ना, तो भैया की तबीयत ठीक हो गई ना भैया? हाँ ऐसे, ये देखो साक्षी नाम रख रही है, खराबी रहनी थी क्या हमेशा? क्योंकि लड़की देखने का टाइम आ चुका है ना, आजकल ही जाना है, इसीलिए तो लड़की लड़के कह रहे थे आजकल लड़की देखने जाना है। तो क्या पता तब भी ठीक हो गई होगी, पर दुआ और दवाई दोनों काम कर गई। अब मेरा भी थोड़ा सा बोझा हल्का हो गया, कल तक घर का काम भी था, ये कह रहा था मम्मी बना लो थोड़ा सा, मेरे सब्सक्राइबर क्या कहेंगे, तो मैंने थोड़ा सा बना लिया आपका मन रखने के लिए भी, अमित का मन रखने के लिए भी, नहीं तो मुझे ब्लॉग बनाना नहीं आता है, फूटी फूटी बोल लेती हो बस। गाइस अभी साक्षी और मैं नींबू के पेड़ के पास आ रखे थे और ये देखो भाई बंदरों ने खा खा के बुरे हाल कर दिए हैं, तो इस गिरने से बच गया, इस वजह से अभी भी धक्के ही लग रहे हैं भाई। अरे वो अभी पूरी तबीयत ठीक नहीं हुई पर क्या करें, काम भी जरूरी है। और ये देखो सारे नींबू निकाल के रख दिया हमने, क्योंकि बंदर ना इनको निकाल रहे थे और खाना ही तो पूरा नहीं खा रहे, आधा खा रहे और फिर फेंक दे रहे। ये देखो सब बर्बाद जाता, और कितने बड़े नींबू हैं, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो हो गया ये मिट्टी खा खा के, थोड़ा सा भी थोड़ा तो मिट्टी खा रहा है। कोई बात नहीं, अरे इसको कैल्शियम सब दे दिया हमने तब भी खा ही रहा है ना, क्या पता ये बचते ही ना होंगे, ये तो वो तो बड़ी मुश्किल से बचाया था, वो शेर खा गया। और आज हम सभी नींबू को दफना देंगे, इनको हम वो फिर बहुत लंबे टाइम बाद निकालेंगे। तो साक्षी कुल्ला लेके आ, कुल्ले को बोलते हैं हमारी साइड में कुदाल। यहाँ पे सौम्या भी मजे से बैठ रखी है और सुनैना को तो क्या ही बोलना। हेलो सुनैना, इधर देखना, देखो अकेले में तो तेरे को भूत सवार रहते, इतना प्यार कर जो मैं तेरे को है कि हमने ना सारे जो खेत में काम आता है ना वो सारे हथियार यहाँ पे टांग रखे हैं। हमारे यहाँ तो ना इसको गढ़वाली में कुल्ला बोला जाता है, आपके यहाँ क्या बोला जाता है कुदाल को, कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों जब तबीयत खराब रहती है ना तो हल्की हल्की चीज भी इतनी भारी लगने लगती है। अभी साक्षी ने दी मेरे को, अचानक ऐसे झुक गया था मैं, इन दो को तो हम लेके नहीं जाएंगे साथ में, ये दो तो अब बंदर ही खाएंगे, या इनको आधा काट के एकदम सेफ रहेगा। एक तो गया। दोस्तों जो ये वाले पत्थर देख रहे हो ये मैं मम्मी साक्षी लाई, और जो ये वाले हैं ये लाए नेपाल से भाई लोग। ये बोल रहा है कि नेपाल से लाए वाले, ये पता ही नहीं बोल रहा कि नेपाल के भाई लोग लाए, ये बोल रहा है नेपाल से लाए वाले। कभी कभी निकल जाता है दोस्तों, लेकिन नेपाल के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं भाई, हम पहाड़ी खुद को मेहनती समझते हैं लेकिन हमसे 2 गुना मेहनत वहाँ के लोग करते हैं। आप लोगों ने केदारनाथ की चढ़ाई में देखी ली होगी, हम ना बस खुद के लिए मेहनत करते हैं, खुद के खाने के लिए घर में, रोग खुद के लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। बाकी दोस्तों आज इन सभी नींबू का होगा अंतिम संस्कार, आज हम इनको एकदम डुबो देंगे भाई। हमारा अंतिम संस्कार ऐसे होता है पर इनका
जीवित संस्कार होगा। इसको बोलते हैं दफन करना। अगर आप खुला छोड़ देंगे तो मर जाएंगे, और इसके अंदर दफन करेंगे तो जिंदा रहेंगे। हम इनको दफनाएंगे, इनको इसके अंदर रखेंगे तो 6-6 महीने तक ये खराब नहीं होते हैं। नींबू को रखना है एक एक करके, और इनको ना थोड़ा दूरी दूरी पे रखना है। अभी सारे नींबू लाइन से रख दिए हैं, पर मैं एक बात सोच रही थी कहीं ये ना हो जाए कि अभी तो हमने सारे नींबू रख दिए और कोई आसपास से चुपके से देख रहा होगा, और कल सुबह हम देखे तो सारे नींबू गायब हो जाए भाई यहाँ से। पर कोई बात नहीं, अगर ले भी जाएगा तो ले ही जाएगा, क्योंकि आजकल जो नींबू खाएगा वो खुद बीमार हो जाएगा, पता लग जाएगा कौन बीमार हो रखा है। बीमार तो मैं ही हो रखा हूँ। किसकी चोरी की? ये फंस गया सी है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं चोरी करने वाला ही बीमार थोड़ी ना होता है हमेशा। ओम स्वाहा बोलम। ज्यादा मजाक भी नहीं दोस्तों, जिसके पास जो चीज होती है उसको उस चीज की कदर ही नहीं होती है। अब क्या करें, यहाँ का माहौल ही ऐसा है, इन चीजों को खाने का मन ही नहीं करता है, और जहाँ भयंकर गर्मी होती है वहाँ ऐसी चीजें होती ही नहीं है। हमने कुछ नींबू तो वहाँ रख दिया, और कुछ नींबू हम अपने साथ ले आए, क्योंकि जब दिमाग में ये आया कि कोई और ले जाएगा तो हमारे लिए ये बच जाएंगे, फिर इनको ना हम चुपके से सेफ्टी से दूसरी जगह रख देंगे जहाँ हम किसी को नहीं बताएंगे, रात को रखने आएंगे इनको। तबीयत खराब हुई दोस्तों, तो इसी बहाने ये लोग भी भैंस को नहलाने धुलाने लग गए, अंदर बाहर निकालने भी लग गए। मम्मी को तो अब मारने नहीं आ रहा है, साक्षी को तो आ रहा भाई, मारने किसी टाइम क्यों नहीं आ रहा? अच्छा किसी टाइम आ रहा है, लेकिन डंडी हाथ पे रखना चाहिए ना, तो धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़ती रहेगी, तो मारेगी नहीं ये। और सौम्या बहुत अच्छी है, अब मैं जिस दिन इसकी तारीफ करता हूँ उसी दिन इसको गुस्सा आता है। एक बात तो है, जैसे मैं घर परिवार के साथ में था तो मेरी तबीयत खराब हुई, मम्मी ने भी देखभाल की, साक्षी ने भी मेरी मदद की एडिटिंग में। अगर मैं जॉब पे होता, अब मेरे अलावा बहुत से भाई लोग अभी भी जॉब पे होंगे, और बहुत से लोगों की तबीयत खराब हो जाती होगी, तो वो लोग किस हाल में रहते होंगे, जो उनके दोस्त भी होंगे, तो उस टाइम दोस्त भी ज्यादा मदद नहीं करता है, बहुत कम दोस्त होते हैं। ड्यूटी पे तो जाना होता है। हाँ, बहुत कम दोस्त होते हैं जो मदद करते हैं, नहीं तो मम्मी कह रही है कि औरों की भी ड्यूटी होती है तो उनको भी ड्यूटी पे जाना ही पड़ता है। तो देखो भाई, बाहर रह के बहुत सारी परेशानियां होती हैं, क्या कर सकते हैं यार, उत्तराखंड में उतना रोजगार नहीं है कि इंसान घर पे रह के ही सब कुछ करे। अभी बाहर ही निकाले थे, अब इतना गर्म हो रहा है कि फिर से अंदर बांधने पड़ेगी। अभी मैंने मस्त करके चाय बना दिया मम्मी, लो चाय, और हम यहाँ पे मस्त चाय बिस्कुट खा रहे हैं। ले रहे कलू में चाय बिस्कुट खाएगा। अरे भैया, मना कर रखा चाय के लिए, मौके का फायदा उठा रही है, जब तबीयत ठीक रहती है ना तब कुछ नहीं पूछते हैं। बड़े कलुए को कह रही चाय बिस्कुट खा ले, तो छोटे कलुए कर रहे ओ। कलवा मतलब ये। हेलो टाइटन, इसको पता नहीं क्या हो रहा है। हम तो यहाँ पे मस्त करके चाय बिस्कुट खा रहे हैं, पर भैया की तो तबीयत खराब हो रखी है, इसलिए भैया खा नहीं सकता। गाइस, साक्षी और अमित जा रहे हैं पेड़ काटने, वो पेड़ की टहनी काटने, भैंस के लिए भी चाहिए गाय के लिए भी चाहिए, सूखा सूखा के कितना खाएंगे वो, और मैं निपटाती हूँ गौशाला के काम। तो आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया, आपने कहा कि अच्छा बनाते हैं ब्लॉग, तो मुझे खुशी हुई है भाई। तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मैं भी आऊंगी, मैं भी बनाऊंगी ब्लॉग। अभी दोस्तों गांव वाले खेत में पहुंच चुका हूं, बाकी देखो भाई साक्षी चढ़ी हुई है। परसों तो मम्मी के साथ मैंने काटा था, लेकिन अब जब तक तबीयत खराब है, गले में दर्द है, पूरी बॉडी ही दर्द कर रही है, तो तब तक साक्षी घर का काम करेगी और मेरे को थोड़ा कम ही काम करने को मिलेगा। अब पतझड़ का मौसम है, तो जल्दी जल्दी से ये हरे भरे पेड़ काट देते हैं, फिर से ये दोबारा से टहनियाँ उग जाती हैं इन पे, और हमारे गाँव से सनसेट देखने का प्यारा सा व्यू। पहाड़ों में ये पेड़ स्पेशल घास के लिए लगाए जाते हैं, गाय भैंस के लिए, और इनकी भी बहुत डिमांड रहती है, कीमत रहती है, हर किसी के तो होते नहीं हैं, क्योंकि उनको सालों लग जाते हैं बड़ा होने में। और जैसे हमारे पास है, तो अगर हमने एक सीज़न किसी और को दे दिया काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए ओनली एक सीज़न, तो वो उसके बदले में हमें 1 किलो घी देंगे, तो उस सीज़न वही काटेंगे, फिर हम दूसरे सीज़न काटेंगे। मैंने और भाई ने सारा घास समेट दिया है, बाकी अब चलते हैं घर, और भाई के पास ना मैंने हल्का वाला दे रखा है। हल्का इससे भारी है ये। तो लो ले जाओ इसको, अब तबीयत खराब है तो पूछनी पड़ेगी कौन सा हल्का है, वही ले जाओ।
अब तबीयत खराब में दोनों चीज भारी लग रही है क्योंकि भैया को खुद ही भैया संभाल नहीं पा रहा, चक्कर आ रहे हैं खड़े खड़े में। तो चलो कोई बात नहीं, हल्का आज नहीं आ रहे हैं, कल आ रहे थे, कल तक आ रहे थे, लेकिन अभी है जैसे भारी सामान उठा रहे हैं तो थोड़ा बहुत हो ही रहा इधर उधर। रग बगाड़ो छेचे आदि पर कन यार काम निकंत कख जान, घर वाला घर में रोनी दियोला भगे दियोला, तब बोला दिल्ली बम्बई पर नौकरी पर जा तो नौकरी होटल में भनत हर मतलब जो भी होटल में जो आदि गड़बड़ी भाना नहीं धोन खाना पका। हम लोगों की पता है मेंटेलिटी कैसी है कि हम सोचते हैं कि गांव के लोग सोचते हैं कि हाँ जो जाता है होटल में बुरे हाल होते हैं, बस बर्तन ही धोता है। तो तूने अभी क्यों बोला कि होटल में बर्तन धोने, कोई तो धोता होगा ना, कोई तो धोता होगा। जो भी पहाड़ी जाते हैं ना दोस्तों, जब भी बाहर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो होटल में बहुत कम ऐसे हो, 1% भी नहीं होगा कि जो सीधे बर्तन धोता होगा। बिना ना पहाड़ियों के होटल चलता ही नहीं है भाई किसी का। तो पहाड़ हमारे ना होटल में बहुत बड़े बड़े शेफ लोग भी हैं, हमारे इंडिया का नाम रोशन कर रखा है, उत्तराखंड का देश तो कर ही रखा है। तो होटल वाले भाइयों के लिए सलाम, बहुत दूर दूर से हमारी वीडियोस देखते हैं, तो आगे से ये मत रखना अपने दिमाग में कि होटल वाले बर्तन धोते हैं। होटल वाले बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे उत्तराखंड वाले। जो आपको मेरे बैकग्राउंड में गांव दिख रहा है ना, ये हमारा गांव तैला है जो कि तिलवाड़ा से 10 किलोमीटर दूर है और बहुत ही हरा भरा गांव है क्योंकि गांव के बीच में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। गांव यहां से बहुत छोटा दिख रहा होगा पर जितना बड़ा हमारा गांव है ना, हमारे गांव में घूमने के लिए आपको 4 दिन लगेंगे क्योंकि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है ये गाँव। ये गाँव के पता है कितने भाग हैं, तैला, वार्ड, बरसारी, शमला, सीला, खाल, पता नहीं कितनी जगह है। दोस्तों इन पेड़ की टहनियों को काटने के लिए घर से काफी दूर दूर तक आना पड़ता है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे सारे पेड़ काट के खाली कर दिए, नहीं तो ये ऑटोमेटिक झड़ना शुरू हो जाते हैं। गाइस यहाँ देखो भाई बहुत सारे मुर्गे आ रखे हैं यहाँ, और ये जंगली मुर्गे हैं भाई, डरते नहीं है। यहाँ देखो कितने सुंदर दिखाई देते हैं, इतने सारे आ रखे है ना। ये जंगली मुर्गे ना हमारे घर के आसपास इसलिए आते हैं, हम नॉनवेज खाते हैं और ना ही इनको मारते हैं, और लोग होते तो कब के इनको मार देते, पर इनको पता है हम इनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं इसलिए आते हैं और हमसे डरते भी नहीं है ज्यादा। अभी रात का समय हो चुका है और मेरे को मिला है कैदियों वाला खाना, 2-3 दिन से लगातार यही खाना मिल रहा है। मस्त करके रोटी खा रहे हैं। साक्षी और मम्मी तो रोटी खा खा के थके नहीं होंगे, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ खिचड़ी खा खा के, और खिचड़ी ऐसी है कि अब क्या करें दोस्तों, तबीयत ठीक है। अच्छा खाना तभी मिलेगा जब आपकी बुआरी और हमारी, मेरी भाभी, आपकी बुआरी, ये मेरे को लड़की के नाम से इतना चिढ़ाने लग गए ना। अब एक से एक पकवान, पता नहीं कब होगी शादी, क्या होगी शादी, लेकिन ये लोग तो बाप रे ऐसा कर रहे हैं जैसे मैंने पसंद करके कुछ पाप कर दिया होगा। लड़की पसंद ही तो की है, आजकल जमाना ही ऐसा चल रहा है। पहले पता है क्या होता था, मैं मम्मी की बात बता देता हूँ कि पहले मम्मी बोल रही थी कि आजकल जमाना ऐसा है लड़की पसंद कर ले कोई दिक्कत नहीं है, अब लड़की पसंद कर ली है तो अब बार बार लड़की के नाम से टोक रहे मुझे। दो सनकरी मेरी तबियत ठीक हुई, अब तबियत फिर से खराब कर जाना है कि लोड़ी पसंद है कि तो लोड़ी दियो दूंगा। अरे बुआरी के लोने ना कभी ना कभी, अब कभी ना कभी तो आएगी ना, कभी ना कभी, इससे अच्छा तो जल्दी ले आएंगे, बाद में मिल भी तो नहीं रही। तो गाइस अभी हम खाते हैं मस्त करके खाना, बाकी इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय भूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।